सो हे आप सभी को नमस्कार। दिस इज योर नोटबुक बड़ी एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीसैब काउंसलिंग के बारे में। तो यार जोसा काउंसलिंग के जो 6 राउंड्स होते हैं वो सारे राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब सीसैब काउंसलिंग भी शुरू हो गया है। 16 नवंबर से सीसैब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है एंड इसका जो लास्ट डेट है फॉर रजिस्टरिंग फॉर सीसैब काउंसलिंग 2020 वो है 19 नवंबर। तो अगर आपने अभी भी रजिस्टर नहीं कराया फॉर सीसैब काउंसलिंग, अगर आपको करना है तो जल्दी से जाके रजिस्टर कीजिए। सबसे पहला काम है आप रजिस्टर कीजिए, देन आप पार्टिसिपेटिंग फीस पे कीजिए एंड देन यू फिल योर चॉइसेस। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सीसैब काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाके चॉइसेस फिल कीजिए। लास्ट डेट है 19 नवंबर एंड जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हो आपको दो बॉक्सेस दिखेंगे, दो ब्लू बॉक्सेस। पहला जो ब्लू बॉक्स है उसमें क्लियरली मेंशन है सीसैब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो उस बॉक्स पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर पाओगे फॉर सीसैब। एंड उसके जस्ट नीचे एक और ब्लू बॉक्स है जिसमें सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ का लिंक दिया गया है एंड उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख पाओगे कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितना सीट खाली रह गया आफ्टर जोसा काउंसलिंग एंड उसको देख के आप अपने चॉइसेस फिल कर पाओगे एंड चॉइस फिलिंग भी आप 19 तक ही कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है 19 नवंबर। अगर आपने नहीं किया है जल्दी से जाके कर दो रजिस्टर, लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट के नीचे मिल जाएगा। अब यार इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है सीसैब काउंसलिंग पे, पूरा प्रोसेस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है कैसे क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देखिए। एंड आज इस वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है रिगार्डिंग सीसैब काउंसलिंग। ऑल्दो मैंने इन क्वेश्चंस को उस वीडियो में डिस्कस करा है, बट इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके कुछ आंसर करेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स का वो ये है कि यार अगर हमने जोसा काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है तो कैन वी अप्लाई फॉर सीसैब, यानी कि अगर जोसा में हमने पार्टिसिपेट नहीं कराया तो क्या हम सीसैब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसका आंसर यस है यार, सीसैब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। डजेंट मैटर कि आप जोशा में आपने पार्ट लिया है या नहीं लिया है, आप पार्ट ले सकते हो फॉर सीसैब इफ़ यू अप्लाइड फॉर जेई मेन्स, यानी कि अगर आपने जेई मेन का एग्जाम दिया है यू कैन गो फॉर सीसैब काउंसलिंग। दूसरा सवाल है कि किस रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है हमारा, कैटेगरी रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक। तो सीसैब में आपका जो एडमिशन होता है कॉलेजेस में वो आपके ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है, यानी कि सारे जो कैटेगरीज होते हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ सेट किए जाते हैं हर ब्रांच के हर कॉलेज के हर ब्रांच के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगर जनरल के लिए कट ऑफ है 45,000, तो सेम ब्रांच एंड सेम कॉलेज के लिए जो कट ऑफ रहेगा फॉर ओबीसी वो थोड़ा और पीछे तक जाएगा, फॉर एग्जांपल 50 या फिर 60 तक। एससी के लिए थोड़ा और पीछे आएगा 80-85, एसटी के लिए 1,00,000 तक। तो ऐसे करके ही ऑल इंडिया रैंक पे ही कट ऑफ सेट किए जाते हैं एंड इस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस भी आपका एडमिशन होता है थ्रू सीसैब। सो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब तीसरा यार फीस, कि अगर हमने जोसा काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस फी पे करा है, जोसा का जो भी हमें सीट मिला है जोसा में वो हमने रिजर्व रखा है, यानी कि हमने कॉलेज में रिपोर्ट करा है आफ्टर 6 राउंड्स एंड रिपोर्ट करने के बाद भी हमें सीसैब में पार्ट लेना है, तो उस समय क्या हमें सीसैब का फी पे करना होगा जो कि पार्टिसिपेटिंग फी है। तो जी हाँ, अगर आपने सीट को रिजर्व रखा है, यानी कि जोसा में जो भी आपको सीट मिला है वो उस सीट को आपने रिजर्व रखा है, यानी कि आपने कॉलेज में रिपोर्ट करा है, तो आपको सीसैब का भी फी पे करना है। अगर आपको सीसैब के थ्रू कोई कॉलेज मिलता है एंड उस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, तो जो भी फीस आपने सीसैब में पे करा है एज पार्टिसिपेटिंग फी, वो फी आपके उस पर्टिकुलर कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के फीस से रिड्यूस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। एंड अगर आप सीसैब के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हो तो जोशा में जो आपने फी पे करा है जो कि काउंसलिंग फी उसका नाम है, वो फी आपके जोशा वाले कॉलेज के एडमिशन के जब भी आप वहाँ पे पैसा पे करोगे उस टाइम उसके फी से काट लिया जाएगा एंड जो भी बाकी रह जाता है, यानी कि अगर आपको आपने जोसा के कॉलेज में एडमिशन लिया, यानी कि जो भी कॉलेज आपको जोसा के थ्रू मिला था उसमें अगर आपने एडमिशन लिया आफ्टर सीसैब, तो आपका सीसैब का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। एंड अगर आप सीसैब में एडमिशन लेते हो इवन आफ्टर कीपिंग योर सीट रिजर्व, तो आपको जोसा वाला जो आपने काउंसलिंग फी पे करा था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब यार एक और सवाल है जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, वो ये है कि क्या IITs में एडमिशन हो सकता है थ्रू सीसैब। तो यार इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सीसैब इज़ ओनली मेंट फॉर NITs, IITs एंड GFTIs। IITs में एडमिशन सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है।
सो यार आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग सीसा वो सारे क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई और सवाल हो तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखो जो मैंने बनाया सेपरेटली फॉर सीसा, थोड़ा लंबा वीडियो है वो, उसमें हमने प्रॉपरली सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, कितना फी पे करना है आपको, एवरीथिंग अबाउट सीसा। तो वो वीडियो जाके पहले देखो, लिंक आपको ऊपर मिलेगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो उसके बाद नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड मचाते रहो। बाय।